Namaste everyone. Welcome to HSS Wolfsburg Weekly Shaka. Today is 8th April 2022. Just last week on 2nd April we had Gudi Padwa or Ugadi celebration. It is also a birth anniversary of Dr. Hedgewarji, from whose vision RSS, that is Rashtriya Swayamsevak Sangha, came into existence. In today's Shaka, Shri Amaya Kelkarji is going to give us short biography of Dr. Hedgewarji. I hope you will all listen it carefully and learn some insight from his life. Now, without wasting any time, I would like to invite Shri Amayaji. Namaste. सभी का आज के इस गुड़ी पड़वा और डॉक्टर जी जयंती का जो अपना उत्सव है उसमें स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले ही शनिवार हम लोगों ने गुड़ी पड़वा का उत्सव मनाया, इसी हॉल में मनाया, बहुत लोग यहाँ से थे। और सभी को फिर से एक बार गुड़ी पड़वा, उगादि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएँ। तो गुड़ी पड़वा का उत्सव तो हमने मना लिया पिछले शनिवार, लेकिन उस दिन डॉक्टर जी का भी जन्मदिन होता है और यहाँ पे हम लोग सभी स्वयंसेवक है और डॉक्टर जी का जन्मदिन है, तो डॉक्टर जी के बारे में थोड़ी जानकारी आज के इस बौद्धिक में हम लोग लेंगे। अगर डॉक्टर जी के बारे में बोलना है तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि नागपुर का ही उनका जन्म था। इस साल जैसे 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा आया था, वैसे 1889 ये साल में डॉक्टर जी का जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। गुड़ी पड़वा उस दिन उस साल 1 अप्रैल को था। तो जो डेट है वो ध्यान रखने के लिए वैसे आसान है कि इतने सारे स्वयंसेवक है, तो जोकिंगली हम लोग कहते हैं कि देखो इतने सभी लोगों को अप्रैल फूल बनाया। खैर ये जोक की बात हो गई। तो गुड़ी पड़वा ऑफ 1989 इस दिन डॉक्टर जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही डॉक्टर जी मतलब काइंड ऑफ पैट्रियोटिक नेचर के और बहुत ही देश के लिए कुछ तो करना है वो टाइप का जो एटीट्यूड था वो एकदम बचपन से ही उनके इसमें था। तो एट द एज ऑफ 10 ही लॉस्ट हिज मदर एंड फादर बोथ टुगेदर। अभी जैसे कोरोना का ये होता है, उस टाइम पे प्लेग हुआ करता था, तो प्लेग का ये चल रहा था और दोनों देहांत हो गया एट द एज ऑफ 10। बाद में उनके जो बड़े भाई है महादेव हेडगेवार, उनके साथ उनका सब ग्रोथ उनके साथ हो। तो जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर जी एकदम बचपन से एक स्पार्क था, तो उसके लिए 2-3 छोटे से इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि स्कूल में रानी विक्टोरिया का, उस टाइम पे तो ऑफकोर्स अंग्रेजों का राज था, तो रानी विक्टोरिया का बर्थडे करके स्वीट बांट रहे थे, सब बच्चों ने आराम से खा लिए। ही वॉज द वन कि जिन्होंने वो फेंक दिया कि भाई व्हाई, मतलब रानी विक्टोरिया का बर्थडे व्हाई वी शुड सेलिब्रेट, उसमें सेलिब्रेट हम लोगों ने करने जैसा क्या है। तो दैट वाज द काइंड ऑफ स्पार्क और लोगों में पता चल रहा था कि ये कुछ तो अलग लड़का है, ये कुछ तो अलग सोच का लड़का है। वैसे ही एक दूसरा इंसिडेंस ऐसा है कि नागपुर में एक सीता बर्डी करके एक किला है, अभी भी है, बहुत छोटा मतलब छोटा सा टापू है, वहां पे एक किला है। तो किले में वो यूनियन जैक फहराता था और किले के काफी नजदीक ही उनका जो गणित के विषय के शिक्षक थे उनका क्लास चलता था। तो उस जमाने में जो घर रहते थे वो ऐसे 3 रूम्स के रहते थे, बीच के घर को माझ घर बोलते थे। तो ये बच्चे लोग वहां पे कुछ तो कर रहे हैं ये शिक्षक को पता चला, और कुछ दिन बाद जब देखा तो पता चला कि उनके सोच क्या थी कि एक ऐसा भुयार करेंगे वो सीतामढ़ी किले तक और वहां पे वो यूनियन जैक निकालेंगे और वहां पे भगवा ध्वज डालेंगे। तो इस टाइप का एक स्पार्क था, वो शिक्षक ने तो बता दिया कि भाई ये होने वाला नहीं है, दिस इज नॉट रियलिस्टिक और ऐसा ये नहीं चलेगा। ऐसे ही उनका जो स्पार्क आगे भी कंटिन्यू रहा और वो एक धीरे धीरे संगठन शास्त्र में भी बदल गया। तो संगठन शास्त्र ये मानो उनको बचपन से ही या तो जन्म से ही अवगत था। अभी संगठन शास्त्र मतलब कैसा, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसा देते हैं कि आप लोगों के स्कूल में भी कभी इंस्पेक्टर बाहर से आते थे, अगर याद करके देखो इंस्पेक्टर आते थे, इंस्पेक्टर मतलब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, स्कूल इंस्पेक्टर, वो आते थे और स्कूल इंस्पेक्ट करते थे कि कैसा है क्या है, सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे नहीं हो रहे। तो उस टाइम पे भी अंग्रेजों के इससे स्कूल्स में इंस्पेक्टर आते थे। तो जब इंस्पेक्टर क्लास में आएगा तो उसका स्वागत कैसे होगा, तो जैसे ही वो क्लास में आएगा वंदे मातरम करके चिल्लाना,
तो उस टाइम पे तो वंदे मातरम तो एकदम ही मतलब ये था कि वंदे मातरम तो बोलना मतलब तो बड़ा पाप था उस टाइम पे अंग्रेजों के सामने। तो वो जब आए तो पहले क्लास में बराबर वंदे मातरम जोर से चिल्लाया। उसी प्रकार जब वो दूसरे क्लास में गए वहां पे भी हुआ, करते 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 पांच छह सभी क्लास में वो हुआ। और उनका एज सोचिए, एज है सिर्फ 19 ईयर्स, मतलब आप कॉलेज का फर्स्ट ईयर पकड़ लो। उस टाइम पे अगर आप ये योजना भी बताते हो आप किसी फ्रेंड को कि चलो ऐसा कुछ करेंगे, तो अपना तर्क लगा के देखिए कि ऐसा होगा क्या कि भाई हाँ चलो सब मिलके करते हैं, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना। दैट इटसेल्फ एक संगठन का उनका ये था कि पूरा का पूरा क्लास वंदे मातरम बोलने के लिए रेडी हो गया, सबने किया। और जो कि सबने किया तो इंस्पेक्टर भी हेडमास्टर को ही उसने ये कर दिया कि भाई तुम यू हैव टू फाइंड इट आउट, और नहीं तो स्कूल का ही ये निकाल लेंगे करके सपोर्ट और ऐसा। तो बाद में बहुत कष्ट करके कैसे तो भी वो प्रिंसिपल को ये पता चला कि मतलब स्कूल के बच्चों ने तो किसी ने भी नाम भी नहीं लिया, कोई नहीं है कोई नहीं है, 3-4 महीने ऐसे ही गए। एंड देन ही केम टू नो कि भाई केशव हेडगेवार वॉज द क्या बोलते हैं ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस एक्टिविटी। तो हेडगेवार जी को सिर्फ बाद में रस्टिकेट कर दिया गया और बाकी बच्चों को शाला वैसे ही चालू रही। ऑब्वियसली नागपुर से अगर वो निकाला गया, बाद में उनका एजुकेशन यवतमाल में हुआ, और यवतमाल में होने के बाद कुछ पुणे में भी हुआ, और स्कूल में बहुत ही होशियार और स्कॉलर ये थे, मार्क्स सभी इसमें अच्छे मिलते थे। और ऑब्वियसली बाद में जब ग्रेजुएशन करने की बात आई तो डॉक्टर वो बने। तो डॉक्टर के लिए एडमिशन जो लेना था तो वो भी उस टाइम पे ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय क्रांतिकारक एक्टिविटीज। तो वहां पे अभी जो हमको पता है कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बोलते हैं और एक मवाड़ ग्रुप बोलते हैं, तो मवाड़ और जहाल ऐसे बोलते थे, एक्चुअली वो जहाल नहीं है, आई वुड से दैट वॉज द राइट विंग, बट ओके तो उनको जहाल बोलेंगे और ये मवाड़। तो ही वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड विद द क्रांतिकारक ग्रुप। और उस जमाने में अराउंड 1910 के आसपास वो पीरियड में कलकत्ता वॉज लाइक अ सेंटर फॉर क्रांतिकारक एक्टिविटी। कलकत्ता से काफी सारे क्रांतिकारक एक एक्टिविटी उनकी चलती थी, और इसलिए वहां पे जाने का मतलब एजुकेशन, डॉक्टर का एजुकेशन तो बाकी कहीं भी कर सकते थे, महाराष्ट्र में भी कर सकते थे, पर वहां पे उन्होंने नहीं किया एजुकेशन, उन्होंने कलकत्ता जाके किया। और कलकत्ता में जाके भी वहां के दोस्त कौन से उनके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मराठी मराठी पकड़ लिया, सभी प्रकार के दोस्त थे, पंजाबी दोस्त थे, बंगाली दोस्त थे, थोड़ा बहुत बंगाली सीख भी लिया था, बंगाली भी आता था, और यहां तक कि क्रांतिकारक एक्टिविटी में इतने इन्वॉल्व थे कि वहां पे कभी कभी एक ऐसा जो क्या बोलेंगे उसको, एक गुप्त नाम जो रहता है, तो वैसा कोकेन करके डॉक्टर हेडगेवार जी को नाम था। तो अगले हफ्ते के क्विज के लिए ध्यान में रखने के लिए, तो वैसा एक नाम था कि मतलब दैट लेवल तक वो क्रांतिकारक इसमें इन्वॉल्व थे। और डॉक्टर जी का वहां पे भी सभी लोगों के साथ मिलना, समाज कार्य में एक्टिविटी लेना, तो कंटिन्यूस देश के बारे में सोचना, इसके लिए बहुत इच्छा। इंसिडेंट वहां पे ऐसा है कि जब भी आजकल के इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, सेमिनार करते हैं, पावर पॉइंट करते हैं, उस टाइम पे भी सेमिनार होते थे, तो ऑब्वियसली पावर पॉइंट वगैरह नहीं था, पर वो सामने आके बताते थे उनके विषय के बारे में। तो बीइंग अ डॉक्टर उनके लिए सब्जेक्ट क्या दिया गया था, सब्जेक्ट था स्लीप, सोना, तो नींद। तो बीइंग अ डॉक्टर इन डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ही वॉज सपोज टू स्पीक कि नींद आना मतलब क्या होता है, नींद नहीं आती मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आने की बीमारी होती है मतलब क्या होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ ही वॉज सपोज टू स्पीक वो सेमिनार में। तो दोस्तों ने ऐसे मजाक मजाक में जो बोला कि चलो केशव कम से कम आज हमको आराम से सोने देगा, आज ये देश वेश की बातें नहीं करेगा। तो उस सेमिनार में भी डॉक्टर हेडगेवार जी क्या कहते हैं, उन्होंने वो टेक्निकल बातें सब जो भी किया वो किया, उसका एंड ऐसा किया, अच्छी नींद लेने से अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, इसीलिए भारतीय तरुणों ने अच्छी नींद लेनी चाहिए, सो दैट वो देश का काम अच्छे से कर सकेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर छोटी इसमें भी देश के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहना कंटिन्यूसली, मेरा जीवन किसके लिए है, ये एक प्रकार का ध्येय हमेशा उनके नजरों के सामने पक्का था। कि मतलब वो सेमिनार भी था तो वहां पे हमारे तरुणों ने क्यों अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहना है, क्योंकि देश के लिए काम करना है, ऐसा नहीं कि खुद के लिए कुछ ये करना है। तो दैट इज द काइंड ऑफ स्पार्क ही वॉज हैविंग एट दैट टाइम ऑल्सो, एंड ऑफकोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रांतिकारक एक्टिविटी। देन
he came back in Nagpur after finishing his graduation and becoming a doctor. He was proper MBBS doctor. He could have set his clinic and run his practice. But वैसा हुआ नहीं. Obviously उनका ये पहले से था कि ना ही मुझे शादीवादी करनी है और ना ही मुझे किसी सांसारिक इसमें पढ़ना है. कुछ ना कुछ तो समाज कार्य करना है, लेकिन कुछ पक्का नहीं था उस टाइम पे. और 1914 में उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ. 1914 आपने को अगर याद है तो दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त क्या हुआ कि आनंद पानंद में बहुत जोश आ गया सभी को. हाँ हाँ यस कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ तो करना है. और वर्ल्ड वॉर था तो अंग्रेजों की पावर भी थोड़ी सी काइंड ऑफ कम हो गई थी, उनके मैन पावर भी कम हो गई थी, तो बड़ा आसान था. और क्रांतिकारक एक्टिविटी बड़ी जोर शोर पे थी और उस टाइम पे तो मतलब बस ऐसे लगा कि बस अभी आजादी मिलने वाली है. लेकिन ओवर द पीरियड उसमें प्रॉब्लम क्या रहा कि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं रहा, एक कॉन्ग्रीगेटेड कॉन्सेंट्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं रहा. कोई अपने हिसाब से कर रहा है, कोई अपने हिसाब से कर रहा है, उनका आपस में कोई तालमेल मिस हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई समहाउ और द अदर दे यूज्ड टू फेल. कोई एक क्रांतिकारक एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करता था, उसका इफेक्ट टाइमिंग लोगों के मन में तो था लेकिन इंपैक्ट जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था. और दो ही साल में सिचुएशन बदल गई और पहला वर्ल्ड वॉर जो था वो अभी ब्रिटिश जीतने ही वाले है, ऐसा टाइप से पिक्चर मोर और लेस क्लियर हो गया. वो पिक्चर क्लियर होने के बाद ब्रिटिशों ने और भी जो दड़पशाही बोलते हैं और भी जोर से चालू कर दी, क्योंकि अभी तो वो जीतने वाले थे, अभी उनका मैन पावर भी इधर था. तो उस टाइम पे डॉक्टर जी को ये पता चला कि हाँ अभी करना है, ऐसे जोर शोर से आनंद पाने में लोग आ गए तो काम नहीं होता. काम तभी होता है जब आदमी खुद के मन से पक्का हो. क्योंकि क्या हुआ कि जब बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चालू कर दिया और ये क्रांतिकारकों को ज्यादा स्ट्रिक्टली पनिश करना चालू कर दिया, उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ बोल भी नहीं सकते थे. मतलब एक ने दूसरे को रिवॉल्वर दिया है, मुझे मालूम है कि उसके पास रिवॉल्वर है, उसको भी मालूम है कि मुझे ये पता है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ ब्रिटिशर्स कोई कुछ बोलेगा नहीं. नहीं भाई मेरे पास तो नहीं थे, हाथ दिया था एक साल पहले दिया था, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर अभी ये ऐसा ही पड़ा है. तो मतलब ही कुड रियलाइज कि अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ संगठन एफर्ट, एक पूरा कॉन्ग्रीगेटेड एफर्ट जब तक नहीं होता है तब तक कोई इसमें ये नहीं है. नहीं तो ताव ताव में तो सब लोग आ जाएंगे लेकिन उसमें एक इम्पैक्ट होना चाहिए. दैट वॉज हिज फर्स्ट काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि मवाड़ पंथ पांच जो था वो तो ही वॉज एनी वे नॉट इन फेवर ऑफ दैट. क्रांतिकारक जो था ही वॉज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, बट देन ही रियलाइज कि इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है. और क्या प्रॉब्लम है, तो एक अनुशासन का और संगठन का कि पूरा एक पद्धति से एक सूत्रता से सभी लोगों ने साथ में आना. तो इसके लिए वो क्या बोलते थे, संघ के लिए हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि नित्य सिद्ध शक्ति. नित्य सिद्ध शक्ति मतलब ऑल द टाइम, नित्य इज ऑल द टाइम, सिद्ध इज रेडी, शक्ति इज शक्ति पावर. तो ऑल टाइम रेडी पावर, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए. उसका एक सिंपल एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि जब औरंगजेब आया था और शिवाजी महाराज गुजर चुके थे, संभाजी महाराज लड़ रहे थे और कुछ हिस्से में मराठों की हार हो रही थी, तो जब वो पीछे हट रहे थे तो पूरे समाज ने खुद के खेत जला दिए. क्यों जला दिए, क्योंकि वो औरंगजेब की जब सेना वहां पे आए तो उनको भी वो ध्यान मिले नहीं, उनको भी उसका बेनिफिट मिले नहीं करके खुद के ही खेत जला दिए. तो मतलब क्या हो गया कि देश के लिए मैं मेरा सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूं, वैसी समाज की परिस्थिति उस कारण में बनी. लेकिन डॉक्टर जी का हमेशा सोचना यह रहा कि वो नित्य है क्या, उस टाइम में वो सिद्ध शक्ति बनी और औरंगजेब को उसका जो भी नुकसान होना था वो हुआ, लेकिन वो नित्य नहीं है. तो वो नित्य होना चाहिए, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा. सिर्फ सिद्ध शक्ति नहीं चलेगी, सिर्फ शक्ति नहीं चलेगी, वो नित्य सिद्ध शक्ति होनी चाहिए. तो कुछ तो एक प्रॉपर संगठित प्रयास होना चाहिए. दैट वॉज हिज फर्स्ट काइंड ऑफ रियलाइजेशन. बाद में हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे फिर वो समाज कार्य में थे, भाषण और ये वो सब देना चालू था इधर उधर, और कांग्रेस के इसमें भी ऑब्वियसली काम तो करते थे, उनके अलग अलग अधिवेशन और इसके कामों में वो सहभागी भी होते थे. तो एक किस्सा ऐसा है कि एक जगह पे और अंग्रेजों को बराबर पता था कि किसकी विकेट लेना है और किसको
प्लेट में खेलते रहने देने का है। तो अंग्रेजों को पता था कि ये आदमी की विकेट लेना ही है, तो दे वेयर लाइक बिहाइंड हिम। और एक जगह पे वर्धा या कहीं लोकेशन है जो भी नागपुर के पास कहीं है, तो वहां पे भाषण के लिए उनको चार्ज लगा दिया कि भाई ये बहुत राजद्रोही टाइप का भाषण है, ये नहीं चलेगा, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। जब मुकदमा चला तो डॉक्टर जी ने बोला कि नहीं भाई मुझे वकील वकील नहीं चाहिए, मेरा ये काउंटर ये मैं ही करूंगा, मैं खुद करूंगा। तब डॉक्टर जी बोलते हैं, तब वो जो न्यायाधीश ने जो रिजल्ट दिया उसमें बोला कि आपका जो बचावात्मक भाषण है वो ज्यादा राजद्रोही है देन दैट भाषण, और मैंने दोनों सुना है, तो आपको तो अभी जेल जाना ही जाना है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। तो उस टाइम पे वो राजद्रोह का 1 साल का सश्रम कारावास जो बोलते हैं वैसा कारावास भी हो गया। तो वो भी एक अनुभव उनके साथ आ गया था। उसी पीरियड में डॉक्टर जी तिलक, सावरकर और ऐसे सब जो सो कॉल्ड देश लेवल के एक बड़े जो एक लीडर्स थे उनको भी मिलके आए थे कि कुछ तो अलग होना चाहिए। एंड देन जस्ट इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी द लाइक माइलस्टोन, इट कैन नॉट बी द जस्ट माइलस्टोन, वो नित्य सिद्ध शक्ति का कुछ तो ये होना चाहिए कि सो दैट अभी ये जो अंग्रेज आए हैं, पहले मोगल आए, ये कितने देर तक चलेगा? संस्कृति तो हमारी ठीक ही है, लेकिन ये ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए, ये एक सोच था। उसी टाइम पे एक इंपॉर्टेंट घटना ऐसी घटी कि 1920 में खिलाफत मूवमेंट आई। खिलाफत मूवमेंट क्या थी, अगर आप लोगों को याद है हिस्ट्री में सब लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसका ये बताता हूं कि तुर्कस्तान के खलीफा को अंग्रेजों ने वहां पे हटा दिया। अब तुर्कस्तान के खलीफा को वहां से हटा दिया वो पोजीशन से, तो भारतीय मुसलमानों को क्या करना था, भाई तुम तो भारतीय हो, तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले ऊपर आया कि पहले इस्लाम या पहले राष्ट्र, वो पिक्चर सबसे पहले इसमें आया। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट को, एंड उसका जो परिपाक है उसको मोपला जेनोसाइड कहते हैं। जैसे अभी काफी सारी पोस्ट आई कश्मीर फाइल्स के बाद, तो उसमें एक पोस्ट ये भी थी कि मोपला फाइल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि दैट वाज इवन वर्स देन ये कश्मीर जैसा सिचुएशन। वो एक खिलाफत का ही एक परिपाक था, मलबार कलकत्ता में वो सब हुआ था, हिंदुओं का बहुत जेनोसाइड ही हुआ था, बहुत ही उसके जो वर्णन पड़ेंगे तो बताने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वो था। तो वो भी एक सिचुएशन ऐसा हो गया था कि समाज संगठित नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और उसी के चलते चलते वो 3-4-5 साल में दूसरा महायुद्ध 1918 में खत्म हुआ, और बाद में ये सब 18 से लेकर 25 तक डॉक्टर जी 1 साल जेल भी काट के आए, कुछ सभी बड़े लोगों से मिलके भी आए, और जो सोच थी वो कंटिन्यूसली चालू थी। एंड विजयादशमी मतलब दशहरे के दिन 1925 को संघ चालू हुआ। डॉक्टर जी हमेशा क्या बोलते हैं, संघ किसने चालू किया, मैंने नहीं चालू किया, हमने चालू किया, दैट वॉज हिज फर्स्ट ये। और जब संघ चालू हुआ तो 1925 विजयादशमी के दिन ऐसे ही बैठक थी, 5-6 लोग घर में बैठे थे, आज से संघ चालू, हाँ संघ चालू मतलब क्या करेंगे, हाँ मिलते जाएंगे कुछ तो करेंगे। तो उस टाइम में भी साप्ताहिक शाखा होती थी, साप्ताहिक शाखा के बाद डॉक्टर जी ने बताया कि नहीं साप्ताहिक शाखा नहीं चलेगी, दैनंदिन शाखा मिलना पड़ेगा, रोज मिलना पड़ेगा, रोज 1 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि शाखा कोई सिर्फ ऐसा एक एंटरटेनमेंट की ये नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक फिजिकल एक्टिविटी तो करेंगे ही, साथ ही साथ बौद्धिक भी करेंगे। तो बौद्धिक उस टाइम पे तो ऑब्वियसली देश के लिए अलग अलग एक्टिविटी, कुछ अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ये करना, और ऐसे बहुत सारे विषय उस टाइम के भी होते थे, आज भी हम लोगों के पास काफी सारे विषय है। तो साधारणता यही रचना उस टाइम पे भी थी। इवन लोगों ने बोला कि भाई आप संघ चालू कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर, कैसे करने का, सदस्यता कैसे लेने का, आपका वो पावती किधर है, रिसिप्ट किधर है। तो डॉक्टर जी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं रहता संघ में, ऐसा कुछ नहीं, बस आप आइए, संघ को समझना है तो शाखा में आए, ऐसा मोहन जी हमेशा बोलते। तो वो वहीं से आया है कि संघ को समझना है तो शाखा में आए। तो वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं, ये नहीं, लोगों ने बहुत ये भी उड़ाया, मजाक भी उड़ाया, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसे बच्चे लोग खेल रहे और ये कर रहे तो उसके हिसाब से ऐसा संगठन खड़ा होने वाला है क्या, लोगों ने बहुत सारा काइंड ऑफ उसको ये भी लिया, उपहास जो बोलते हैं, बहुत उपहास भी किया। लेकिन डॉक्टर जी अटल थे अपने पर्टिकुलर मुद्दों पे, और संघ उस टाइम पे चालू हुआ। बाद में संघ चालू होने के बाद कम से कम
नॉट एग्जैक्टली बट मे बी अराउंड 1 ईयर नाम डिसाइड हुआ, वो भी बैठक लेके लेके सबका सबका अनुमोदन लेके, ऐसा नहीं किसी ने बताया नाम क्या होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जो नाम है वो भी जॉइंटली डिसाइड हुआ, ऐसा नहीं कि डॉक्टर जी ने बोल दिया कि हाँ हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालू किया, नहीं, किसी ने बोला भारत उत्कर्ष मंडल ऐसा रखेंगे, किसी ने बोला भारत उत्थान मंडल रखेंगे, तो ये दोनों नाम ज्यादा सामने आए थे, तो बाद में जो हुआ कि नहीं ये स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और स्वयंसेवक मतलब क्या, तो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन होता है वॉलंटियर, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि ना बाप का डर ना माँ का डर, बेटा निकला वॉलंटियर, ऐसा बोलते थे, तो वैसा वाला वॉलंटियर नहीं चाहिए, वॉलंटियर ऐसा चाहिए कि जो खुद के इससे और खुद के विचारों से वहां पे आया है, ऐसा नहीं कि बस हाँ कुछ नहीं हो रहा है तो चलो वहां पे कर लेते हैं, दैट इज नॉट द केस, नहीं मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए और मैं भी करूंगा और लोगों को भी साथ में लेके जाऊंगा, ये जो समाज की तैयारी करवाना है दैट इज दैट स्वयंसेवक, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर उसमें ही कुछ सालों बाद ये भी लगा था लोगों को कि अभी संघ के प्रमुख तो डॉक्टर हेडगेवार जी है, तो गुरु पूजन का जब पहला उत्सव आया गुरु पूर्णिमा का, तो उस टाइम पे लोगों को लगा ठीक है डॉक्टर हेडगेवार जी इज अवर गुरु, देन वहां पे उन्होंने पहली बार बताया कि कोई भी व्यक्ति पूजा संघ में कभी नहीं होगी, व्यक्ति कभी भी गलत हो सकता है इसलिए व्यक्ति पूजा नहीं होगी, तो इसलिए भी डॉक्टर जी का जो जन्मदिन और ये सब हम लोग मना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो औचित्य है, जो कि गुड़ी पड़वा है और जन्मदिन था ही तो हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर जी का भी इवन टू दैट लेवल वैयक्तिक व्यक्तिगत पूजा नहीं, तो उन्होंने बताया कि प्रतीक क्या होना चाहिए, कुछ तो ऐसा प्रतीक होना चाहिए कि जो हमारा जो सपना है कि ये नित्य सिद्ध शक्ति वाला समाज खड़ा रहेगा, और ये कोई इसमें हम लोग संघ और कभी भी ये बोलता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र ये है ही, उसको सिर्फ एक ये करना है, उसका जो धूल है वो सिर्फ हटाना है, तो वो करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा प्रतीक क्या रह सकता है, तो भगवा ध्वज है कि जो हमको हमारी सभी वैल्यूज की हमेशा चेतना देता रहेगा, और जो एकदम शुरू से है मतलब अर्जुन के ध्वज से लेकर राणा प्रताप ले लो, नहीं तो गुरु गोविंद सिंह ले लो, जैनों का डेरा सर ले लो, हर जगह पे और इवन तमिल में ले लो, वारकरी संप्रदाय ले लो, हर जगह पे वो भगवा ध्वज ही है, और इसीलिए भगवा ध्वज अपना गुरु रहेगा, ये वहां पे डॉक्टर जी ने बताया। फिर ऐसे ही संघ में उनकी जो इंस्पिरेशन है उसमें भी दो तीन किस्से ऐसे हैं कि एक संघ स्थापना के पहले का है कि 1920 में 1 अगस्त 1920 लोकमान्य तिलक जी का देहांत हो गया, तो उस टाइम पे तो ऐसा आज के जैसा व्हाट्सएप और ये सब नहीं है, वो न्यूज किसी को आई टेलीग्राम और वॉट एवर, और फिर वो डॉक्टर जी को आई, और डॉक्टर जी तो मतलब काइंड ऑफ भक्ति थे उनके भी, तो डॉक्टर मुंजे करके एक वहां पे नागपुर में एक और क्रांतिकारकों के काइंड ऑफ क्या बोलेंगे एक नेता थे, तो जैसे ही उनको न्यूज मिली अरे लोकमान्य तिलक गुजर गए, तो वो घर से निकले और निकले मुंजे जी के यहाँ जाके उनको बताते है करके, और बीच में कुछ ऐसे कॉलेज जस्ट कॉलेज वाले बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट तभी से आया है, क्रिकेट खेल रहे, तो डॉक्टर जी वही पे गुस्सा हो गए, लोकमान्य तिलक गुजर गए और आप क्रिकेट खेल रहे हो, और करके उनको एकदम से जो लेक्चर दे दिया, तो वो बच्चों में से एक था दादा परमार, तो दादा परमार करके जो थे उनको लगा कि नहीं यार ये आदमी लेक्चर दे रहा है लेकिन है इसका कुछ मतलब, वो अंदर से है, वो स्पिरिट है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कुछ बोल रहा है, एंड ही रियलाइज, एंड दादा परमार गॉट इन कॉन्टेक्ट विद डॉक्टर जी, एंड ही वॉज फर्स्ट बैच प्रचारक, ही हैपन टू बी इन केरला दादा परमार दोस्त डेज, सो इतना डॉक्टर जी के बोलने का प्रभाव था। उसका एक दूसरा इंसिडेंट ऐसा भी है कि डॉक्टर जी रिक्रिएशन के लिए कभी टाइम नहीं रहता था, मतलब कुछ ऐसे उस आज जैसे सिनेमा और ये सब है उस टाइम के मूवीज तो शायद इतना नहीं था, लेकिन नाटक और संगीत के कार्यक्रम वगैरह होते थे, तो वैसे सब कार्यक्रमों के लिए जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो एक इसमें एक फ्रेंड ने बताया कि नहीं भाई आज मैंने थोड़ा टिकट ये वगैरह सब किया है, आप चलो गाने का प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। डॉक्टर जी बड़े मनाने के बाद गाने के प्रोग्राम के लिए गए, गाने का प्रोग्राम हुआ, सब हुआ, बच्चों ने भी वहां पे गाना गया,
तो बच्चों में से एक बच्चा था यादवराव जोशी। तो गाना खत्म होने के बाद वो यादवराव जोशी के पास डॉक्टर जी जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो व्हाई डोंट यू सिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग, व्हाई डोंट यू मतलब पब्लिक को थोड़ा आवेग करने के लिए तुम्हारा जो संगीत का नॉलेज है वो उसके लिए यूज करो। तो मतलब हर छोटी चीज में डॉक्टर जी कुड कनेक्ट दैट थिंग विद देश सेवा, विद हिज अल्टीमेट ध्येय। ऐसा उनका एक अल्टीमेट मतलब पक्का माइंडसेट था, ये हम लोग देख सकते हैं। उसी दरमियान एक बहुत अच्छा इंसिडेंस ऐसा भी है कि वामन जोशी करके एक समाज सेवक थे और कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि ये बहुत समाज सेवा करते हैं, तो हम लोग इनको देशभक्त ऐसा करके एक ये देंगे, किताब देंगे कि वी विल कॉल हिम देशभक्त वामन, वामन जोशी या वामन पंडित ऐसा कुछ नाम है। तो देशभक्त देभ वामन ऐसा करके बोलेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और डॉक्टर जी को भी न्योता आया कि भाई देभ वामन ऐसा नाम ये होने वाला है, आप भी आइए। डॉक्टर जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन्होंने उनको पूछा कि वो अगर देभ है तो आप कौन है? देशभक्ति किसी एक का ठेका है क्या? वो हर एक का, हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। हाउ कैन यू कॉल हिम देशभक्त एंड आई एम नॉट देशभक्त, आर यू गोइंग टू से लाइक दैट? अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है वो कार्यक्रम को, कि हाँ कोई तो एक बनेगा और मैं पीछे से देखते रहूंगा, ऐसे होने से काम नहीं चलने वाला है। तो दैट वॉज द काइंड ऑफ स्पिरिट। एक और इंसिडेंस सिमिलर केस के लिए एक ऐसा है कि डॉक्टर जी औंध में थे, तो औंध में जो राजा था वहां पे एक पेंटिंग था और पेंटिंग में चित्र ऐसा था कि शंकर भगवान दिखाए थे और शिवाजी महाराज छोटे और जीजा माता, और मतलब पिक्चर से ऐसा डिपिक्ट हो रहा था कि शिवाजी महाराज इज इनकार्नेशन ऑफ शंकर जी, ऐसा टाइप से वो पिक्चर था, मतलब वन कैन मेक आउट वो पिक्चर से। तो सबको बड़ा अच्छा लगता था, वाह अच्छा चित्र है। तो डॉक्टर जी बोले नहीं ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे भी उनका कंसेप्ट ये था कि शिवाजी महाराज को आपने गॉड लेवल दे दिया, तो मतलब वो तो गॉड थे भाई, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। यू थिंक दैट शिवाजी महाराज वॉज लाइक यू ओनली हैविंग सम स्पेशल क्वालिटीज, तो हम लोग वो अचीव करने का थोड़ा प्रयत्न करेंगे। हम लोग अगर ये बोलेंगे कि हाँ वो तो गॉड ही थे, वो तो शंकर का अवतार थे, तो मैं तो कुछ नहीं करने वाला, वो मैं तो कुछ नहीं करने वाला वो जो पार्ट है वो आना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको हर छोटी चीज में वो ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक जन मतलब वो स्पिरिट से एक्टिव हो। तो इस काइंड ऑफ हर एक छोटे छोटे इसमें डॉक्टर जी का एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे हैं बताने के लिए, लेकिन ठीक है। मतलब तो इसी प्रकार से संघ और इसका जब स्थापना हुआ तो डॉक्टर जी को पक्का मन में था कि लोग भी काफी उपवास करते थे कि ऐसे नहीं होने वाला है, पर उनको ये पक्का था कि दिस इज द मेथड विच विल एस्टेब्लिश एंड विच विल टेक। जैसे भारत की प्रार्थना में भी हम लोग बोलते हैं कि परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, मतलब खुद के स्वराष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाने का है। तो यहाँ पे भी हम उसी प्रकार की एक पंक्ति है प्रार्थना में कि परम वैभव हम प्राप्तुम, ऐसा करके एक अपने प्रार्थना में भी पंक्ति है। तो परम वैभव कैसा वैभव? कि वो समाज संगठित हो, विश्व गुरु स्तर का एक पूरे सोसाइटी में एक लेवल हो, एक पूरी सोसाइटी की एक अच्छी लेवल हो, ऐसा वो प्रयत्न करना है। कि ऐसा नहीं कि टाइमिंग दो चार लोग आ गए कुछ तो किया और फिर ये, वो नहीं, सभी लोग करेंगे। और इसीलिए उनका हमेशा ये था कि अभी भी आज शाखा की बैठक या किसी भी इसमें हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि संगठित निर्णय, ऐसा निर्णय कभी भी एक ने कर लिया ऐसा नहीं होता है, कार्यकारिणी के सभी का ये होना चाहिए, उसको अनुमोदन होना चाहिए। तो उसी पद्धति से आज भी वो जैसे के वैसे ही फॉलो होता है। डॉक्टर जी संघ के इसमें इतने पक्के ये थे कि एक स्वयंसेवक नागपुर में जब महल एरिया करके है और एक धर्मपेट करके करीब करीब 7 किलोमीटर दूर है, साइकिल से वो लड़का आता था शाखा में, तो एक दिन नहीं आया, दो दिन नहीं आया, तीसरे दिन अरे ये क्यों नहीं आया? तो एक एक स्वयंसेवक के ऊपर उनका बड़ा बड़ा मतलब ध्यान रहता था, ये क्यों नहीं आया? पता नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पता होना चाहिए, चलो चलते हैं। 7 किलोमीटर, अभी इतने सारे लोग थे, एक ही दो साइकिल ही थी, कुछ नहीं, चलो 7 किलोमीटर निकल पड़े बस। तो जाके मिले, फिर वो पता चला कि वो बीमार था, फिर उसको क्या बीमारी है, ये है वो है, हम लोग सब साथ में है, तब जाके वो एक परिवार जैसा, एक ब्रदर जैसा रिलेशन शाखा में जो होता है वो तब डेवलप होता है।
और यही फिर एक काइंड ऑफ जवाब था कि इवन हम लोग यहां पे भी देखते हैं कि काफी लोगों को क्या लगता है कि ये कोई एक अलग से मंडल है। मंडल और संघ में फर्क यही है कि मंडल में एक पर्टिकुलर कार्यकारिणी एक पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करती है, बाकी लोग आते हैं, देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, घर जाते हैं। लेकिन वहां पे कोई आया नहीं आया, वो कार्यकारिणी को पढ़ा नहीं रहता है और वो बंदे को भी पढ़ा नहीं रहता है। लेकिन संघ की शाखा में ब्रदरहुड डेवलप होना चाहिए, हर एक का वन टू वन कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग हमेशा ध्यान दे रहे हैं, तभी वो संगठन निर्माण होता है। और वीकली हम लोग जब मिलेंगे, डेली मिलेंगे, तभी वो नेचुरली एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, कुछ कमियां जान में आती है, कुछ अच्छी बातें जान में आती है। तो ये जो बॉन्डिंग है वो शाखा के पद्धति से बनेगा और तभी वो एक संगठन बड़ा खड़ा हो सकता है। ये उन्होंने बड़ी सुसूत्रता से तभी से ये दिखा दिया और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक किस्सा ऐसा भी है कि उमरेड वो गए थे, नागपुर से उमरेड करके एक तालुका है, छोटा सा गांव है, 30-35 किलोमीटर कुछ है, और नागपुर में उन्होंने बना के रखा था कि दूसरे दिन सुबह 8 बजे मैं शाखा में आऊंगा, और बस वहां पे रात तक कुछ उनका मिलना वगैरह सब चला, बस मिस हो गई। तो 35 किलोमीटर है, क्या करना, निकलो, 10 बजे निकल दिए, रात को 10 बजे निकल दिए, कल सुबह 8 बजे की शाखा है तो मुझे जाना ही है, बस। फिर वो बस मिले नहीं मिले 35 किलोमीटर चल लेंगे, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, उसमें क्या है। बट लकीली वो बस मिस नहीं हुई थी, उनको लगा वो मिस हुई, वो कहीं फेल हुई थी, बाद में वो आई और बीच के रास्तों से ये मिली। तो तो बस भी मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि हर छोटी चीज में उनका जो ये था संघ के प्रति जो लगाव बोलो या संघ के प्रति जो एक विश्वास बोलो वो एक पक्का था। दूसरी चीज संघ के बारे में, जब 1938 में पहला शिविर होना चालू हुआ, लोगों का कैंप होता था, अभी अपना भी है जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोगों का भी है, अभी से ध्यान में रखने का है, 31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक एक कैंप है ओस्लो में, तो हम लोगों को भी वहां पे रजिस्टर करना है। तो उस टाइम पे भी वो कैंप होता था 1938 में, और उसमें गांधी जी भी बुलाए गए थे, डॉक्टर आंबेडकर जी भी बुलाए थे, और ये रिटर्न ये है अवेलेबल है कि वो दोनों का प्राइम रिमार्क ये था कि कोई एक दूसरे की जाति नहीं पूछता है, कोई एक दूसरे का कास्ट क्रीड कुछ लेना देना नहीं है, सब बस एक भाई जैसे मिलके रहते हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ स्पिरिट दे कुड ऑल्सो रियलाइज एट दैट टाइम, और इतना मतलब काइंड ऑफ परिवर्तन था। इवन डॉक्टर जी ये भी जान चुके थे कि संघ कार्य करना है, लेकिन स्पिरिट तो था कुछ तो करना है करके, तो एक जंगल सत्याग्रह करके उस टाइम पे आया 1930 में। तो डॉक्टर जी ने कुछ देर के लिए किया कि संघ बाय इट्स ओन कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन स्वयं सेवक सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि संघ उस टाइम में बड़ा होना था, उनका एक ये थिंकिंग अलग था कि संघ को अभी बड़ा करना है, तो संघ कुछ नहीं करेगा लेकिन स्वयं सेवक कुछ नहीं छोड़ेगा, ये जो एक थिंकिंग था, उस थिंकिंग के चलते उन्होंने वो जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। तो करीब कुछ महीने उधर थे, और बाद में जब आके देखा तो पता चला कि शाखा का काम और भी बड़ा है, क्योंकि उनके खुद के आचरण से, उनके खुद के विचारों से वो बहुत कुछ बता देते, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि किसी को डांट दिया या किसी को ये कर दिया। एक उनकी पूरे इसमें एक ही घटना ऐसी है कि बैठक में किसी एक जन को उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से डांट दिया कि निकल जाओ यहां से करके, और बाद में खुद उसके पास गए कि अरे नहीं, क्योंकि कंसेप्ट पक्का था कि भाईचारा अगर भाई बनाना है तो खुद के अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। ही वॉज इनिशियली वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन बाद में खुद का स्वभाव भी वो ध्येय के लिए उन्होंने चेंज किया कि एकदम अगर मैत्री हमको बढ़ानी है, भाई किसी को बनाना है तो मृदु रखना पड़ेगा अपनी वाणी, ये तेज नहीं रख के नहीं चलेगी। तो उसका भी एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि रामभाऊ रुईकर करके एक कम्युनिस्ट लीडर थे नागपुर में, और वो कम्युनिस्ट लीडर भी मतलब पक्के, वो तो ऑब्वियसली एकदम स्ट्रांग अगेंस्ट अपने इसमें था, अपने विचारों के, लेकिन
डॉक्टर जी के वो अच्छे मित्र थे, मित्रता उनकी पक्की अच्छी थी, मतलब कोई ऐसा, ठीक है तुम्हारा विरोध है, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग अलग है, लेकिन फ्रेंडशिप तो हो सकती है ना। तो उनका संघ के स्वयंसेवक से भी अपेक्षा यही है कि मैत्री दोस्ती सभी से हो, अपना किसी को विरोध नहीं है। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि कुछ लोग वर्तमान के स्वयंसेवक है, बाकी के भविष्य के स्वयंसेवक है, सभी लोग स्वयंसेवक है, ऐसा ही बोलते हैं, स्वयंसेवक नहीं है ऐसा कोई बोलते ही नहीं है। तो दैट वाज द काइंड, आई विल कम टू द कंक्लूजन। बताने जैसा अभी बहुत सारे विषय है, पॉइंट्स मैंने काफी सारे निकाल के रखे थे, बट उनकी बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूअसली मूविंग हियर एंड देयर एंड कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इन टू इट, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। और गुरुजी जो उधर का फोटो है, गोड़वलकर गुरुजी, तो गोड़वलकर गुरुजी एट दैट टाइम वॉज काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड कि डॉक्टर जी के बाद अगर कोई होगा तो गुरुजी होंगे। तो रामकृष्ण परमहंस उनके जो डिसाइपल्स है उसमें स्वामी विवेकानंद एक डिसाइपल है हमको पता है, वैसे ही एक डिसाइपल थे अखंडानंद, और वो अखंडानंद के जो डिसाइपल है वो गोड़वलकर गुरुजी है। तो गोड़वलकर गुरुजी वॉज कंप्लीटली इनटू आध्यात्मिक दिस थिंग, और उनका ये था कि हम लोग आध्यात्म और वो हिमालय में जाके तपस्या और वो सब। अखंडानंद जी ने उनको बताया था कि नहीं, आपका ये जन्म इसके लिए नहीं है, आपको कुछ देश कार्य करना है, आपको मिलेगा पाथ मिलेगा, आप जाइए आपके इसमें। वो नागपुर से ही थे गुरु जी भी, तो इवेंचुअली एट कानपुर ही गॉट इन कॉन्टेक्ट विद डॉक्टर जी, फिर संघ से उनका परिचय हुआ, फिर वो शाखा आना चालू हुआ। और जब एक बार बिहार या कहीं डॉक्टर जी और गुरु जी साथ में थे तो 105-104 फ़ारेनहाइट तक डॉक्टर जी को बुखार था, और जब इतना बुखार होता है तो जनरली आदमी कुछ भी बड़बड़ करता है, ऐसा होता है काफी बार, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं रहता उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं कि भारत का स्वतंत्र होगा, शाखा का काम और भी बढ़ाना है। तब मतलब गुरु जी कहते हैं कि दैट वॉज द पॉइंट कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ये आदमी अंतर्बाह्य एक है, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि वो बोल कुछ रहा है और सोच कुछ अलग रहा है और कर कुछ अलग रहा है, ऐसा नहीं है, एक ही है और अंतर्बाह्य एक है, और दिस इज द पाथ आई शुड फॉलो। और देन गोड़वलकर गुरु जी लेट संघ फॉर 33 इयर्स कंटिन्यूअस, इतना लॉन्ग पीरियड तक अभी कोई बाकी सरसंघ चालक नहीं रहे। उस टाइम पे गोड़वलकर गुरु जी स्टार्टेड एज अ सरसंघ चालक इन 1940 एंड अंटिल 1973 फॉर 33 इयर्स गुरु जी कुड ग्रो संघ। और इसीलिए बाद में जो बाला साहेब देवरस और ये सब आए थे तो जो की व्यक्ति पूजा नहीं है, और पहले दो ये थे तो बाला साहब देवरस ने बाद में बता दिया कि ऐसी फोटो की लाइन नहीं लगाना, सिर्फ दो ही जो शुरू किए रहेंगे जिन्होंने संघ स्थापन किया और जिन्होंने उसको फलाफूल के और भी बड़ा किया, इतने दो ठीक है। तो इसलिए गुरुजी और डॉक्टर जी का हम लोग हमेशा फोटो रखते हैं। तो दैट वाज द काइंड ऑफ स्पिरिट की अंतर्बाह्य ये आदमी एकदम पक्का है। गुरुजी और डॉक्टर जी का एक छोटा सा किस्सा ऐसा है जो कि इसके लिए कनेक्टेड है कि गुरुजी और डॉक्टर जी लाहौर में गए थे और वहां पे डॉक्टर जी का भाषण एक्सपेक्टेड था, लेकिन डॉक्टर जी बीमार थे। तो डॉक्टर जी ने बताया कि ये है मेरे साथ गोड़वलकर, ये भाषण करेंगे। तो गुरुजी ने भाषण किया, वो जा ही नहीं पाए भाषण की जगह पे डॉक्टर जी, और बाद में जा ही नहीं पाए तो भाषण अच्छा हुआ। गोड़वलकर गुरुजी एकदम स्ट्रांग बोलते थे, वो तो खुद प्रोफेसर भी थे, तो बहुत पढ़े भी किया था, अध्यात्म भी जानते थे, सब कुछ जानते थे। तब उनको भाषण जब जोरदार हुआ तब बाद में लोग आए कि अरे डॉक्टर जी आपने एकदम राइट, ये आपका है मतलब जो आपके साथ जो है तो एकदम राइट सिलेक्शन है आपका, और बहुत ही अच्छा भाषण हुआ। क्या बोला मुझे समझाओ। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा भाषण हुआ, अच्छा हुआ, क्या बताओ बोलो तो सही। तो डॉक्टर जी ने बताया कि ये नहीं सिर्फ अच्छा हुआ, ये स्वयंसेवक का काम नहीं है, और इसीलिए स्वयंसेवक संघ की शाखा में हाँ किसी ने भाषण दिया ताली बजाया निकल गए, ताली बजाने का सिस्टम इसी के लिए नहीं है, क्योंकि संघ की शाखा में जब भी कोई भाषण या कोई ऐसा बताता है तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी आर सपोज टू पॉन्डर ओवर इट एंड वी आर सपोज टू कीप इट इन माइंड। तो वो वहां का एक इंस्ट्रक्शन है।
कि ऐसे नहीं कि आपके हाँ आपका ये बंदा बहुत अच्छा बताया, हाँ क्या बताया बोलो, तो दैट वाज द काइंड ऑफ स्पिरिट व्हिच ही वाज हैविंग, एंड इवेंचुअली विद दैट स्पिरिट गिवन टू डॉक्टर गोरवलकर जी, नॉट डॉक्टर गोरवलकर जी, वाज नॉट डॉक्टर, एंड संघ आगे बढ़ा, एंड इन 21 जून 1940 डॉक्टर हेडगेवार एक्सपायर्ड जस्ट एट द एज ऑफ 51. अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट लिव लॉन्गर, ही गॉट एज ऑफ 51 ईयर्स, विच कैन बी कंपेयर्ड विथ शिवाजी महाराज ऑल्सो. शिवाजी महाराज ऑल्सो गॉट जस्ट 51 ईयर्स. हैड ही बीन लिविंग लिटिल मोर, हिस्ट्री कुड हैव बीन डिफरेंट, बट ओके. तो 51 ईयर्स का उनको एक लाइफ मिला, और उनका जो ध्येय के प्रति जो समर्पित भाव था, तो उसके लिए डॉक्टर जी के बारे में हमेशा ये बोला जाता है कि ध्येय आया देह लेकर. मतलब वो गीत की पंक्ति ऐसी है कि ध्येय आया देह लेकर, थिंक अबाउट इट, कि मतलब जो देह है वो देह मतलब ही वॉज लाइक लिविंग ध्येय, ही वॉज लाइक लिविंग एम. ऐसा नहीं कि एक आदमी है, इट वॉज लाइक अ पर्टिकुलर एम ऑफ फॉर्मिंग नेशनल स्पिरिट. तो इसलिए ध्येय आया देह लेकर ये पंक्ति डॉक्टर जी के लिए शत प्रतिशत लागू पड़ती है. तो विद दिस विल कंक्लूड, जो भी बात हुआ ट्राई टू रिमेंबर, लेट अस सी एंड थिंक अबाउट इट, पॉन्डर ओवर इट. जो भी अच्छा लगा वो शेयर करो, ध्यान में रखो. अगली शाखा में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे इसी के ऊपर, और देखते हैं. तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ.